हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, पोर हाइट ऑफ कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग का पोर हाइट कितना होता है? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे सबको पता होता है कि इसका पोर हाइट क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी को ये पता है कि ये 1500 mm होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका रीजन पूछ दिया जाता है ऐसा क्यों, तो जो फ्रेशर्स होते हैं स्पेशली, उनमें से बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो स्पेशली उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए है कि ये 1500 mm हम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसका मैं रीजन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 9th क्लास में मैं फिजिक्स तो पढ़ी होगी, F=mg। ठीक है, m क्या है इसमें? मास है। g क्या है? ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखें, मैंने एक ये ले रखा है, मैंने हॉस पाइप ले रखा है जिसके थ्रू ये कंक्रीटिंग हो रही है। कंक्रीटिंग के भी दो तीन तरीके तीन तरीके हैं। एक तो हॉस पाइप से होता है, एक बकेट से होता है, और तीसरा मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो आप कंक्रीटिंग किसी से भी करो, लेकिन पोर हाइट, जहाँ पे पोर हाइट की बात आएगी, तो पोर हाइट हम 1500 mm लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। इसका रीजन ये है, यहाँ पे देखिए, जब ये कंक्रीट यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट भी होता है, सीमेंट भी होता है। ठीक, ये तीनों चीजें होती हैं, पानी के साथ मिक्स होता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये नीचे गिरने लगता है, तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, जिसका वेट कम होगा वो उससे स्लो स्पीड में आएगा। ये क्लियर है? आप छत से दो पत्थर फेंकिए, एक बड़ा पत्थर लीजिए, एक छोटा लीजिए, दोनों को एक साथ नीचे गिराइए, क्या होगा, जो बड़ा पत्थर है वो नीचे आके पहले गिर जाएगा, उसके बाद जस्ट बाद ही छोटा वाला आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होता है, जब ये हमारा कंक्रीट गिरता है, तो जो हमारा बड़ा पार्टिकल है वो तेजी से आएगा, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, यानी कि डेंसिटी या वेट ज्यादा है, वो तेजी से नीचे आएगा, जिसका कम है वो स्लो स्पीड में आएगा। तो इसमें होगा क्या, ये सेपरेट होने लग जाएंगे, अलग अलग होने लग जाएंगे। और दूसरा, इसमें एक और, ये जो हवा चल रही है, तो ये क्या करेगी, ये भी इस पे प्रेशर डालेगी, तो ये भी इसको सेपरेट करने की कोशिश करेगी, तो ये क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब इसमें सेपरेशन हो जाएगा, तो जो इनके बीच में बॉन्डिंग है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, तो क्या हमें स्ट्रेंथ भी मिल पाएगी, तो स्ट्रेंथ भी नहीं मिल पाएगी। किसी का जबरदस्ती साथ में रखने से तो मजबूती नहीं आती, ये तो क्लियर है ना। अगर इनको साथ साथ चलना ही नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी अलग अलग भाग रहे हैं, ऊपर से इसमें हवा भी चल रही है वो और इनको अलग कर रही है, तो ये साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं। अगर साथ में नहीं है, अगर यूनिटी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। तो ये जब यहाँ पे आके, जब यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या सेपरेट हो जाएंगे, कहीं पे आपका सैंड ज्यादा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पे क्या आपका कोर्स एग्रीगेट इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पे जो सीमेंट का मिक्स है, पेस्ट है, वो कहीं इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्डिंग जो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। जब यूनिफॉर्म बॉन्डिंग नहीं होगी, तो आपका स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है, तो ये मेन रीजन है कि इसमें क्या सेपरेशन हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या हमारा हो जाएगा, इसमें सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन सेपरेशन की वजह से हमारा ब्लीडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग तो पता ही होगा, नहीं पता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा एक। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन चार रीजन है जिसकी वजह से ये 1500 हम हाइट लेके चलते हैं। बोलोगे कि 1500 ये क्यों लेके चलते हैं, तो ये प्रैक्टिकली निकाला हुआ वैल्यू है। ठीक है, ये 1500 mm, तो क्लियर हो गया, 1500 mm हाइट क्यों लेते हैं। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर करने में। ठीक है, जो इसके तीन चार रीजन है, सेपरेशन, ब्लीडिंग, स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, स्ट्रेंथ कम आएगी। ठीक है, थैंक यू।